आज का हमारा टॉपिक दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों हम बाज़ार से तो काफ़ी सारा हम काउडंग कंपोस्ट परचेस करते हैं, गोबर खाद परचेस करते हैं, बट दोस्तों हम घर पे ही उसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम वही शेयर करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले दो गाय के उपले लेंगे, एकदम फ्रेश है दोस्तों, ये ड्राइड वाले हैं और आपको इन्हें इस तरह से तोड़ना है। अब देख लें कुछ इस तरह से इनके स्मॉल स्मॉल पीसेस करने हैं। अब आपको एक स्मॉल बकेट लेना है, आप टेराकोटा, सीमेंटेड या फिर प्लास्टिक जो आपके सूटेबल हो वो वाला पॉट ले लीजिए। बस ध्यान रखें उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके जो गाय के उपले हैं उसको अपने गमले में इजीली भर दीजिए और डोंट वरी दोस्तों, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे और ये श्रिंक होते रहेंगे। मतलब जैसे अभी फुल भरा हुआ है, ये हाफ हो जाएगा कुछ समय में और बचा हुआ हिस्सा जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको भी आप इकट्ठा करके अपने पॉट में डाल दीजिए। अब अगर आपको याद हो हमने नीचे ड्रेनेज होल बना रखे हैं तो डेफिनेटली नीचे से लिक्विड निकलेगा, उसके लिए हमें एक बकेट रखना होगा जिससे सारा लिक्विड इकट्ठा हो जाए। लिक्विड का भी यूज़ है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे उसे यूज़ करना है। यहाँ पर सही समय है, अब हम इसे पानी पिलाएंगे, हमारे काउडंग कंपोस्ट को पानी पिलाएंगे और दोस्तों पानी पिलाने के बाद ही एक्चुअल कंपोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो काउडंग को डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। वाटर देने के बाद अब हमें दोस्तों इसमें सॉइल मिलानी होगी, क्योंकि दोस्तों सॉइल के अंदर होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे। आप यहाँ पर ईच एंड एवरी पार्ट में थोड़ी सी सॉइल डाल दीजिए और फिर से आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए जिससे प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब अगर कंपोस्टिंग प्रोसेस की या कंपोस्टिंग टाइम की बात करें तो डिपेंड करता है कौन सा सीज़न चल रहा है। अगर वार्म टेम्परेचर है, ह्यूमिड क्लाइमेट है तो कंपोस्टिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी ठंडा है या फिर कोल्ड टेम्परेचर है तो कंपोस्टिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, बट प्रोसेस रुकेगा नहीं। कंपोस्ट बिन के ऊपर एक लिड का होना बहुत ज़रूरी है, ये कंट्रोल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो कंपोस्ट है वो एक महीने बाद का रिजल्ट है। एक महीने में आपको कम से कम 4 टाइम इसको मिक्स करना है जिससे कंपोस्टिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहे, एरिएशन मिलता रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो गोबर खाद है वो धीरे धीरे कंपोस्ट होने लग गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम उसे इजीली क्रश कर सकते हैं। एक महीने में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप अपने कंपोस्ट मिक्सचर को मिक्स करते रहें, उसमें एरिएशन फ्लो होता रहेगा तो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। सेम मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बेनिफिट हो रहे हैं। अगर आपने गौर करा हो बेस में जो लिक्विड इकट्ठा हो रहा है वो भी एक टाइप का फर्टिलाइज़र ही है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है काउडंग का। अब उसे कैसे यूज़ करना है उस पर बात कर लेते हैं। हम इस लिक्विड को दोस्तों किसी भी फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट या फिर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट में इजीली यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्मलेस है, कोई केमिकल कंपोस्ट इसमें मिला हुआ नहीं है। चलिए दोस्तों हम हमारे एक प्लांट में मिक्स करेंगे जो हमें फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है। कंपोस्टिंग प्रोसेस में वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, ये प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, इसलिए आप तुरंत ही वाटर ऐड कर दीजिए। चलिए डाल देते हैं अपने प्लांट के अंदर। हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो फ्रूट या फिर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक प्लांट सेलेक्ट करा है, ऑरेंज का प्लांट है दोस्तों, ये मौसम्बी का प्लांट है और इसमें काफ़ी दिनों से मौसम्बी आ रही है क्योंकि हम कंटिन्यूसली इसमें ये डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सिंपल कुछ भी डाइल्यूट वगैरह नहीं करना है और ऐसा कैसा इस लिक्विड को अपने पॉट में डालना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, एक बार फर्टिलाइज़र देने के बाद आप 30 से 35 डेज के बाद ही ये वाला फर्टिलाइज़र फिर से डालें। अब जितनी भी बार इसमें आप शफल करेंगे आपको हमेशा न्यू सॉइल ऐड करनी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें भरपूर मात्रा में चाहिए। और हमेशा याद रखें जैसे ही आपने न्यू सॉइल ऐड करी है आपको तुरंत ही वाटर अप्लाई करना है। आफ्टर 2 मंथ हमारे काउडंग कंपोस्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। कंपोस्टिंग करना थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि दोस्तों हमें उसे टाइमली शफल करना पड़ता है, बड़े बड़े पार्ट्स को ब्रेक करना पड़ता है। हमने यहाँ पर 2 महीने के अंदर करीब करीब 6 to 7 times इसे शफल करा है और इसे छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक भी करा है। हमारा कंपोस्टिंग का प्रोसेस नियरली 55% कंप्लीट हो गया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से ये छोटे छोटे हिस्सों में निकल रहे हैं। आप यहाँ पर इसे और ज़्यादा शफल करते रहें और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े करते रहें। और हाँ, मॉइस्चर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा वाटर नहीं देना है, सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। आफ्टर 75 डेज हमारी कंपोस्टिंग
रेडी है, हमारे काउडंग कंपोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रिफाइंड क्वालिटी का हमारे पास कंपोस्ट अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देखें इसकी क्वालिटी बहुत ही खास है दोस्तों, और केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र है, और दोस्तों ये प्लांट की ग्रोथ और पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर हमें फाइनल काम करना है, इसे छानना है ताकि हमारे पास एकदम प्योर क्वालिटी का काउडंग कंपोस्ट मिल जाए। आप छानने के लिए कोई भी बकेट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें थोड़े से बड़े छेद होंगे, जिससे हमारा कंपोस्ट इजीली निकल जाए। अब यहाँ पर जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो भी डीकम्पोज हो चुका है, बट उसको थोड़ा सा हम क्रश करके यूज़ कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर देखिए एकदम फाइन क्वालिटी का, रिफाइन क्वालिटी का कंपोस्ट रेडी है, काउडंग कंपोस्ट रेडी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है, यहाँ तक आपने देख लिया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। कंपोस्टिंग प्रोसेस दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फर्टिलाइज़र को डीकम्पोज करने के लिए, जिससे प्लांट इस डीकम्पोज खाद को ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। अगर फर्टिलाइज़र डीकम्पोज नहीं होगा तो प्लांट उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब कर सकेगा और प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। बट आप इस डीकम्पोज प्रोसेस से, कंपोस्टिंग प्रोसेस से उसको बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस लीफ के साथ भी कर सकते हैं। लीफ के साथ थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाता है, किचन वेस्ट के साथ भी थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग जाता है, बट काउडंग कंपोस्ट है जो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, फास्ट इन अ सेंस, क्योंकि ये दोस्तों सॉइल के साथ मिक्स होकर बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है। होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, और लाइक करे बिना जाना मत।